करनाल नगर निगम में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के औचक निरीक्षण के बाद आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी दिखाया गब्बर अंदाज। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रजिस्ट्री क्लर्क, पटवारी को रजिस्ट्रिया करवाने की एवज में खामियां मिलने के बाद मौके पर किया सस्पेंड। मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण के बाद सचिवालय के सचिवालय में मौजूद सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के हाथ पांव फूले। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, रजिस्ट्री कराने की एवज में पैसे लेने की रिश्वत मिली थी, जिसके बाद आज उन्होंने तहसील में औचक निरीक्षण किया है। अपनी आंखों से चेक करने के बाद मैंने खुद कई तरह की खामियां पाई हैं, जिसके चलते तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रजिस्ट्री क्लर्क, पटवारी को सस्पेंड किया है, ताकि पूरे हरियाणा में संदेश दिया जाए कि रजिस्ट्री कराने की एवज में कोई भी किसी को परेशान ना करे और ना ही किसी से कोई पैसे मांगे। अपने ढंग से लोगों को परेशान करते थे और कहीं कहीं पैसे लेने की भी इनकी शिकायत मिली थी। अचानक औचक निरीक्षण मैंने किया, उसको अपने आंखों से देखा, अपने सामने, आप लोगों के सामने मैंने जब उसको चेक किया तो एक रजिस्ट्री तो 27 नवंबर की, वो भी रजिस्ट्रेशन क्लर्क के पास पड़ी है और उसके जिम्मेवार तहसीलदार भी है, नायब तहसीलदार भी है, रजिस्ट्रेशन क्लर्क भी है। एक व्यक्ति लगातार 9 दिन से अपने पटवारी को ढूंढ रहा है, तो इस प्रकार के हालात को देखते हुए वास्तव में एक जो काम मैंने आज किया है उसमें सबको मैसेज आएगा पूरे प्रदेश में। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा कि इस प्रकार लोगों को परेशान करेंगे। रजिस्ट्री का नियम है सेम डे रजिस्ट्री हो उसके बाद शाम तक वो डिलीवर होनी चाहिए, इसलिए आज तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रजिस्ट्रेशन क्लर्क और एक पटवारी, इन 4 लोगों को सस्पेंड किया है। इनको भ्रष्टाचार शुरू से चलता आया, खुलेआम चलता रहा है और आज जानकारी मिली है कि बीजेपी के पार्षद से कोई पैसे मांगे गए थे रजिस्ट्री के, उसके बाद आपने छापेमार कार्रवाई की। देखिए ऐसा नहीं है, ई रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम हमने कई वर्ष पहले किया था, बहुत चीज़ें ठीक हो गई थी, फिर भी जो छोटी छोटी चीज़ें अभी जो पेंडिंग रह जाती हैं उसकी शिकायतें जहाँ मिलती हैं वहीं हम एक्शन करते हैं। इससे पहले भी गुड़गांव के अंदर भी हमने एक तहसीलदार को सस्पेंड किया था, आज जब यहाँ की जानकारी मिली है, केवल हमारे पार्षद की मिली ऐसी नहीं, जनरल पब्लिक के भी 2-3 लोग मुझे मिले थे, उन्होंने भी मुझे कहा कि इस प्रकार की गड़बड़े हैं, इसलिए आज एक्शन लिया। तहसीलदारों का ये रहता है कि सरकारी जितने भी जैसे खर्चे रहते हैं, दूसरी कोई प्रोग्राम रहते हैं, पॉलिटिकल प्रोग्राम रहते हैं, तहसीलों के ऊपर जो है इस तरह का तहसीलदार के ऊपर खर्चा होता है, ये एकदम गलत है। जब मैं शुरू में मुख्यमंत्री बना था तो सोनीपत जिले का ललहाड़ी कौन सा है रास्ते में एक रेस्ट हाउस, लड़सोली रेस्ट हाउस में मैं गया और मुझे वहाँ जब चाय दी गई और बिस्कुट खिलाया गया तो मैंने पूछा ये कहाँ से आता है, तो वहाँ के पीएन ने बताया कि तहसीलदार साहब इसका इंतजाम करते हैं। तुरंत मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की, इनको कितना पैसा देते हैं, उन्होंने कहा नहीं देते। हमने कहा तुरंत इनको हर ज़िले को और जो इसका पैसा होता है, इसकी चाय पानी का जो खर्च होता है रेस्ट हाउस में जितना भी है, उस सारे के लिए उसी वर्ष 2 लाख रुपया साल का डीसी ऑफिस को मैंने मंजूर करवाया। क्यों डी साहब? 2 लाख रुपया साल का आता है इस काम के लिए, कोई खर्च किसी को नहीं करना और सब तहसीलदारों को मैं मना करूंगा। इसी प्रकार का कोई खर्च कोई मांगता है, बड़ा अधिकारी भी कहता है उनको मना करें कि मुख्यमंत्री का आदेश है, किसी तहसीलदार को कोई 1% दिया जाता है, वो कहते हैं खर्चा है उसकी। मैं कहता हूं जो है ये इलीगल है, जो कोई करे आप मुझे बताओ, तुरंत उसको एक्शन लेंगे, बर्खास्त करेंगे। जो टोकन दिए गए हैं 90, वो लगातार प्रातःकाल ऑफिस टाइम के बाद सायंकाल लगातार रजिस्ट्री कराई जाएगी, उसमें बीच में खंड अगर पड़ेगा तो उसके बाद रजिस्ट्री नहीं होगी। ये अगर आप प्रावधान ऐसा नहीं होगा तो जाके आज करा देंगे। जो उस टाइम में जैसे वोटिंग का टाइम होता है तो 90 टोकन के बाद लगातार उनको रजिस्ट्री करनी होगी, वो चाहे उसके लिए 5 बज जाएँ, 6 बज जाएँ, 7 बज जाएँ, उसमें बीच में अगर एक बार कहीं रोक आ गई रजिस्ट्री करते समय कंप्यूटर में, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसको बंद करेंगे। बहुत से विषय फूड एंड सप्लाई के बहुत से विषय चल रहे हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जैसे ही उसमें दोषी पकड़े जाएंगे सबके खिलाफ कार्रवाई होगी।